हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यून। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसेफ यूनिक और सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आप में से बहुत ढेर सारे बच्चे प्लान करते हैं कि सर जॉब तो करना है, बट जॉब के बाद मुझे खुद का कुछ करना है, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सोलोप्रेन्योरशिप का कीड़ा होता है। वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है कि मुझे इन फ्यूचर सर खुद का कुछ करना है, या फिर जिनको ये इंटरेस्ट है कि मुझे इन फ्यूचर थोड़ा ज्यादा वाली अर्निंग करनी है, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही शानदार हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं जी। दो बार बोल दिया, शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं जी। तो अब देखो यार, आप सब में से कई ढेर सारे लोग जॉब के लिए टारगेट कर रहे होंगे, जॉब पाएंगे भी, ये तो डेफिनेटली है। लेस सैलरी, हाई सैलरी, आज नहीं तो कल आपको जॉब मिलनी है, ये तो टेंशन फ्री हो जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस है अभी भी इंडिया में इतना नहीं फैला जितना फैलना चाहिए। मतलब अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का घर ही नहीं है। मैंने तो पूरा रिसर्च पढ़ा है इसके ऊपर कि अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनके पास सिर्फ ड्रीम है, लेकिन वो उस ड्रीम को ले नहीं पा रहे क्योंकि उनके बजट में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं। अब अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर करियर बनाना है अपने जॉब के साथ एक्स्ट्रा, तो कैसे कर सकते हैं? तो एक्स्ट्रा करने के लिए भाई, आप सब लोगों में से किसी को भी कंपनी ने ये नहीं मना किया कि आप अपने नगर महापालिका में अपने आप को रजिस्टर्ड न कर सके। आप सबका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा, जैसे पुणे का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पीएमसी, वैसे ही मुंबई का है बीएमसी, वैसे ही क्या बोलते हैं हमारे इलाहाबाद का है इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एडीए, लखनऊ का है एलडीए, मतलब कि ऐसे हर जगह का लगभग लगभग कॉरपोरेशन है। ठीक है जी, अब सबको पता होगा कि आपका नियर बाई कौन सा कॉरपोरेशन है। मुंबई का अलग है, एमपी वालों का अलग है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, आप जॉब करो या फिर जॉब सर्च करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चले जाओ। डिग्री तो है ना आपके पास, डिग्री ले जाओ, मतलब फोटो स्टेट उसका ले जाओ और आप आराम से एक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। दैट लाइसेंस इज फॉर प्लानिंग, ठीक है, दैट लाइसेंस इज फॉर प्लानिंग। ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर तक का प्लानिंग करने के लिए आपको ऑथराइजेशन क्या बोलते हैं लाइसेंस मिल जाएगा, और साथ ही साथ वो उसके लिए कितना खर्चा आएगा, अप्रॉक्स 1500 रुपये या 2000 रुपये का खर्चा आपको मिल जाएगा। इतने में आप सब लोगों के पास लाइसेंस आ गया। चलो भाई, लाइसेंस आ गया। मॉडलिंग में लाइसेंस की एज सच कोई नीड नहीं होती है छोटे प्रोजेक्ट्स में, तो मॉडलिंग का लाइसेंस का कोई टेंशन नहीं है, प्लानिंग का आपके पास आ चुका है। अब क्या करना है भाई, जॉब करो। जॉब के साथ आप अपना साइड बाय साइड थोड़ा सा नेटवर्क बनाओ गाइस, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बनाओ। और नेटवर्क बनाते बनाते अगर आपका नेटवर्क ठीक ठाक हो जाए इंसेंटिव बेस पे, लाइक जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास प्रोजेक्ट लेके आता है डेफिनेटली उसका भी तो मेहनत होता है ना, तो मैं उसको भी परसेंटेज शेयर करता हूँ। अब आपके ऊपर है आप कितना शेयर करना चाहते हो, मैं उसको भी परसेंटेज शेयर करता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट ज़्यादा दे देने लगते हैं। इस तरीके से एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे नेटवर्क आपका फैलने लगेगा। अगर आपने दो काम बेहतरीन कर दिए, 10 क्लाइंट दो काम से बहुत आराम से आ जाते हैं। 10 क्लाइंट का काम अच्छे से आपने कर दिया तो 100 क्लाइंट आने में आपके पास टाइम नहीं लगाएंगे गाइस। 100 क्लाइंट काम अगर आने लगा, अब आप टेंशन फ्री होकर अपने जॉब को नमस्ते लंदन कर सकते हैं, या फिर आप और मेहनती हैं तो कोई एक अपना जूनियर हायर कर लिया, उस बेचारे को भी सीखने को मिल जाएगा, उसको भी सिखा दो, वो तुम्हारा काम करता रहेगा, उसको भी एक्सपीरियंस होगा, प्लस तुम्हारी जॉब भी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, मैंने इस जर्नी को मैंने किया हुआ है। जब यहाँ पहुँच गए, अब आता है कि यार लोग पूछते हैं आप कौन सी कंपनी है आपकी। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत ही आराम से आप क्या कर सकते हो, एमएसएमई भी अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर कोई सीए है तो सीए के माध्यम से करवा लो एमएसएमई से। प्लस अगर और आपको रजिस्टर करना है कि मेरा एक ऑफिस टाइप का चाहिए, तो एक सॉपेट लाइसेंस बनता है, सॉपेट लाइसेंस बनवा लो, एमएसएमई से रजिस्टर्ड करवा लो। और अगर आप क्वालिटी वर्क दे रहे हो तो आईएसओ सर्टिफिकेशन ले लो। ये तीनों सर्टिफिकेशन में कोई खास खर्चा नहीं, मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। ओके, अगर आपका काम बड़ा है, मतलब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो टर्नओवर भी बढ़ जाएगा। टर्नओवर अगर बढ़ रहा है, ये मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिसको अभी साइट पर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पैसा कमा सकता है। टर्नओवर अगर अच्छा आ रहा है तो आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर दो, उसका तो फ्री चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है जीएसटी नंबर का, हर महीने का 1000 रुपया अलग से रहता है, बट ऐसे चार्ज करने का कुछ नहीं है। तो 4000 रुपये में आपका सॉपेक्ट लाइसेंस बन गया, एमएसएमई पे आप रजिस्टर्ड हो गए, आईएसओ सर्टिफाइड हो गए अगर आप अच्छे तरीके से काम करके दे रहे हो, और उसके साथ ही साथ आपके पास जीएसटी नंबर हो गया, आप पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो चुके हो। कोई अपनी कंपनी ओपन करने के लिए आप अपने घर के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस अपने घर का आप लगा लो, क्लियर है।
अब आप अपने काम को धीरे धीरे और एड्स ऑन करो, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो सके हो, लोगों को बताओ कि मैं इस कंपनी से रजिस्टर्ड हूँ, और साथ ही साथ आप अपने हिसाब से अपना लोगो सोगा डिजाइन कर लो, सॉरी गलत नहीं बोला, लोगो डिजाइन कर लो और अपना थोड़ा बहुत डोमेन वगैरह ले लो, थोड़ा ब्रांडिंग हो जाएगी आपकी। अब आप चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास उस लेवल का आ चुका है, क्योंकि 100 प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट पे आपका 5,000 भी आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लो कि आप कितना अर्निंग करोगे, और वो 100 प्रोजेक्ट आपके 1,000 प्रोजेक्ट होने में टाइम नहीं लगेंगे अगर आपके पास 3 से 4 लोगों की टीम आ गई तो। जूनियर्स को हायर करो, उनको सिखाओ भी, उनको इंटर्न कराओ, अगर अच्छे हैं तो थोड़े बहुत उनको पेड करो, उनका भी एक्सपीरियंस आ गया प्लस आपका एक्सपीरियंस अलग से आ ही रहा है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो बिना किसी रिस्क के आप अपने घर से कंपनी ओपन कर सकते हो। अब मेरा यहाँ तक का लेवल था लॉकडाउन तक। लॉकडाउन के बाद मैंने कहा अब थोड़ा और जम करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद फिर मैंने क्या किया कि कुछ लोग अपना कंस्ट्रक्शन मुझे देना चाहते थे, तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन तो फ्री में लिया, बिकॉज आई थॉट कि यार पहले एक बार देखते हैं, इनका लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैंने कुछ भी प्रॉफिट नहीं लिया, लगभग लगभग सारा ही पैसा उनको लगा दिया। उनका बेहतरीन रिस्पॉन्स की वजह से मुझे एक दूसरा क्लाइंट मिला, और फिर तीसरा। इस समय मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं, 3 क्लाइंट्स को अभी धीरे धीरे वो अपना काम चल रहा है। कुल मिला के मैंने क्या सीखा कि अगर स्टार्टिंग करोगे फ्री से, फ्री मतलब 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना था नगर महापालिका में, क्या खर्चा है यार, ये कुछ खर्चा नहीं है, और वहाँ से स्टार्ट करके अभी आपके पास 3 प्रोजेक्ट है, और प्लस कोई घर का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई किसी सुधार लेने की जरूरत नहीं है, लोन कई लोग ऐसे ना लोन लेंगे, ऑफिस खोलेंगे, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में, एक तरीके से फ्री ही मानोगे, फ्री में अपना स्टार्टअप करके धीरे धीरे इस लेवल पर जा सकते हो कि आप जॉब को स्किप करके अपने करियर को फुल टाइम कर सकते हो। दिस इज माई एक्सपीरियंस, हो सकता है आपके पास इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन इस एक्सपीरियंस में कहीं से भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं है गाइस, और आप बेहतरीन अगर काम करके दोगे, मेरा यही मानना है। मैंने जब एजुकेशन स्टार्ट किया तो मैंने कहा मैं अपना बेस्ट दूंगा चाहे जैसे। इसकी वजह से आप सब में से जितने लोग हैं, लगभग सारे लोगों ने ऑल इन वन कोर्स रजिस्टर्ड किया है, सारे लोगों ने बीम का कोर्स रजिस्टर्ड किया, क्यों? बिकॉज ऑफ क्वालिटी आई थिंक। तो आप प्रोजेक्ट भी हम लोग करने लगे, तो हमने कहा जब तक अच्छा नहीं होगा, चाहे वो मेरे को 500 ही मिलने वाला है, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उस इंसान का घर कोई देखे तो ये पूछे जरूर कि प्लानिंग किसने किया है, क्योंकि अपना बिजनेस तो वहाँ फंसा हुआ है। अगर पूछ लिया कि प्लानिंग किसने किया बहुत अच्छा हुआ है, फिर मॉडलिंग किसने किया बहुत अच्छा हुआ है, हमारा बिजनेस तो वहाँ पर रुका हुआ है। बस वहाँ से हम लोग बहुत अच्छे से ब्राइट हो सकते हैं। ये बहुत ही आसान एंड प्रैक्टिकल तरीका है, कोई भी लोन लेने की जरूरत नहीं है, घर वालों को बताने की जरूरत नहीं है, बस आप साइड बाय साइड इवनिंग में 2 घंटा 1 घंटा निकाल के नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दो। आपके पास 10 दोस्त तो होंगे ही, 10 दोस्त हैं, थोड़ी से उनसे अपने चाय पानी वाले टारगेट थोड़ा बढ़ा लो, 10 दोस्त से धीरे धीरे एक काम तो किसी न किसी से आ ही जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप ब्राइट हो जाओगे। थैंक यू सो मच, आप सबने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसका मतलब वीडियो को पसंद किया है, पसंद किया तो अपनी राय जरूर देना, और जिसने भी यहाँ तक के लेवल को टारगेट कर लिया या फिर जहाँ तक भी पहुँचे हो इस यात्रा में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ सपोर्ट अगर मेरी चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताना, कोशिश करूंगा कि जो मैं कर सकूं डेफिनेटली आपके लिए करूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ऐसे ही खुद को बढ़ाते रहो। जितना एंटरप्रेन्योर आप बनोगे उससे सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होगा, जो बच्चे कॉलेज से अभी अभी आ रहे हैं उनको सही डायरेक्शन दे पाओगे, उनको अपने अंदर इंटर्नशिप करवा पाओगे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिला पाओगे, अदरवाइज वो साइड पर चले जाएंगे, 3-4 साल उनका बर्बाद हो जाएगा। मतलब ये नहीं बोला कि साइड पर आ रहे हो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता, 3-4 साल उनका चला जाता है क्योंकि जॉब ही नहीं मिलती है। तो अगर आप अपनी कंपनी खोल रहे हो, अपने जूनियर्स को हायर करो, 10,000-15,000 उनको इंटर्नशिप करवा दो, उनका भी भला हो रहा है प्लस आपका काम तो अच्छे खासा हो रहा है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।